अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ स्ट्यू की। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी रेसिपी को की तरफ चलते हैं। हमने इसमें 2 से 3 प्याज कट कर लिए हैं और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा सौते कर जी हमारे प्याज हो गए हैं हल्के हल्के से। अब हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, बस हमने यही 2 चीज़ें डालनी है। ये अब हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, नमक काली मिर्च डाली थी सिर्फ, इसके अलावा हमने कुछ नहीं डाला। चिकन भी फ्राई हो गया और प्याज भी हमारे वो गोल्डन हो गए हैं, ठीक है। अब इस स्टेज पे हमने अपना टमाटर डाल देना है। अब टमाटर थोड़े से गल दें तो फिर इसमें हम दही डाल दें। अब ये हमारे टमाटर भी गल गए हैं और हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया, तो इस स्टेज पे हमने दही और ये साबुत लाल मिर्ची है ये हमने डालनी है। प्याली भर के हम अपने दही डालना है, टमाटर थोड़े डालना है इसमें और दही ज़्यादा डालना है। इसकी यही वो है कि आपने और कोई मसाला नहीं डालना, सिर्फ ये लाल मिर्चों में, साबुत लाल मिर्चों में और काली मिर्चों नमक में ही पकेगा, ठीक है। अब ये इसी में गल भी जाएगा और मसाला भी बन जाएगा। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। हमारा दही भी खुश्क हो गया, अब हमने इसमें ऑयल भी निकल आया। अब हमने इसमें अपना हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश कर देनी है, ठीक है, और साथ साथ में अपना धनिया डाल देना। बड़ी ही झटपट सी और बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बड़ा लाइट सा बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा, अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाइएगा। जब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।